Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा. तो रात तो बस वो काम वगैरह करते हुए मैंने फिर आगे कोई शूट नहीं किया. आज सुबह हुई है तो मैं भी शावर वगैरह लिया है, फ्रेश वगैरह हुई हूँ, घर के थोड़े से काम थे वो किए हैं. देन अब मैं नमाज पढ़ने के लिए प्रिपेयर हुई हूँ, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ. और मेहंदी मैंने हाथों पे लगा ली थी भाई, ऐसी ही मुझे तो मेहंदी लगानी आती है. तो दोनों हाथों पे बस सेम लगाई है क्योंकि मैंने कभी मेहंदी अपने नहीं लगाई इसलिए. और ये क्यूटी पाई जी हमारी रेडी हो चुकी है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं. इसको भी अभी कपड़े पहना दिए हैं, सुबह के लिए रेडी हुई है. इधर दिखाओ फिश, इधर दिखाओ. ओए ये इतनी प्यारी बच्ची किसकी है, ये इतनी प्यारी बच्ची किसकी है. ईद मुबारक कह दो सबको, मेरी और मेरी भतीजी की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और आप लोग बताएं सुबह सुबह उठकर आप लोग क्या करते हैं. मेरा तो यही होता है कि सुबह उठ के फ्रेश हो जाओ और देन उसके बाद नमाज और फिर थोड़ी सी फैमिली के साथ गॉसिप और फिर सोना. आप लोग बताएं कि आप लोग कैसा दिन गुजरता है. हमारा तो ऐसे ही दिन गुजरता है क्योंकि भाई थके हुए होते हैं और वह सारी रात के जागे हुए होते हैं तो बस इसीलिए जी वो भी सो जाते हैं फिर हम भी सो जाते हैं, इसलिए सारी रात हमारी तैयारियां चलती रहती है और दिन हम सारा सोए रहते हैं. इस बोर्ड को नहीं छोड़ती, एक मिनट के लिए भी इस बोर्ड को छेड़ दे. और इसने ये देखो ट्यूनिंग की है अपनी फूफो के साथ, काफ़ी हद तक कलर मैच हो रहा है, मतलब ये कलर मेरे भी आ रहा है, इसने भी पहना हुआ है. और इज़ल हाय कर दो, हाय ऐसे कर दो, हाय हाय नहीं करना भाई, हमारा मूड नहीं है कि हम हाय करें जी. मेहंदी मैंने आपको दिखा दी है, नेल्स आप लोग देख लें. इस तरह से मैंने जिस तरह से शेप बनाना सोचा था इस दफ़ा वैसे नहीं बने क्योंकि साइड से टूट गए थे, तो मैंने बस इसी तरह से रैंडम सी ही शेप बना ली है गोल वाले, जो अच्छी लग रही है काफ़ी हद तक. मुझे लग रहा था नहीं अच्छी लग रही और काफ़ी हद तक ये देखना मेहंदी बीच में रहती है तो मुझसे फेल नहीं हुई. इस तरफ वाले सीधे हाथ उल्टे हाथ वाली फिर बेहतर है, बट सीधे हाथ वाली बस ऐसे ही है. चलो कोई नहीं, हमारी मेहंदी वाला शौक तो पूरा हो गया ना, और कोई शौक हो ना हो. यहाँ पर जी मैं नमाज के लिए खड़ी हो गई थी और ये पढ़ना बहुत सुन्नत है हमारे लिए, तो आप लोग इसे अदा ज़रूर किया करें ताकि हम लोग नेक काम नेक दिन भी मतलब नेक खुशी का दिन है मतलब अल्लाह के नाम से ही शुरू करें ताकि हमारा दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो. तो हम लोग तो ये ज़रूर पढ़ते हैं. यहाँ पर मैं अपनी मामा के साथ पढ़ी थी तो वो पढ़ रही होती ऊंची आवाज़ से, तो मतलब मैं साथ साथ उनके दोहराती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पढ़नी आती. ये इज़ल को ईदी मिल चुकी है, इज़ल को ईदी मिली है? भाभी ने कहा अच्छा ईदी शीदी लेने के बाद जी मैं सो गई थी. फिर मैं 12 बजे उठी हूँ, तकरीबन मैं 10 बजे सोई हूँ, 2 घंटे सोई हूँ. उसके बाद मैं उठी हूँ, उठ के मैंने सालन बनाया, बीफ बनाया था. तो पहला क्लिप तो नहीं बनाया, बस ये आलमोस्ट डन है. मैंने इसकी ग्रेवी काफ़ी बनाई थी क्योंकि मुझे ग्रेवी ही पसंद है और मुझे मतलब कि मसाला मसाला इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनाई थी और बीफ बनाया था. बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टफुली बना था. तो बीफ इंजॉय किया, देन उसके बाद मैंने कस्टर्ड बनाया क्योंकि जो हमने एक सब मैंने चांद रात वाले दिन बनाया था वो ख़त्म हो गया था, तो अब मैंने अगेन कस्टर्ड बनाया. सिंपली अब मैंने कस्टर्ड बना लिया था और मेरे पास सिर्फ बनानास पड़े थे, वो मैंने ऐड कर दिया था इसमें और कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया था. और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है क्योंकि मेरे हाथ की हो चुकी है मेहंदी ख़राब. ये देख लें आप लोग, इतनी कोई आजकल लोकल मेहंदीज आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती. ये इतनी अच्छी लग रही थी, ये देखें कितना अच्छा कलर आया और अब आप देख लें क्या हो गया. चलो इसको अब सही करते हैं इससे जी. मैंने यहाँ पर ईद के लिए तैयार होने लगी हूँ, अब मैंने चूड़ियाँ भी अपनी निकाल ली हैं, ये इयररिंग्स भी निकाल लिए हैं, ये वो पिन भी निकाल ली है और ये साथ खुस्सा भी. और ड्रेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ड्रेस ये है, बाकी मैं पहन के आपको बोलती हूँ. यहाँ पर जी गेस्ट आए थे तो उनके लिए मैंने सर्व कस्टर्ड सर्व किया, बॉटल थी साथ बिस्किट और लेस थे, वो मैं क्लिप नहीं दिखाना बोल गया. और नेक्स्ट फिर अंदर सब बैठे यहाँ पर इंजॉय करें और साथ गॉसिप करें.
नामू क्या खाना है आपने? वो तो कह रहा है फिर जी इनके साथ बैठे, फिर मैं अपनी कजन के चली गई बाहर, और जो हमने फोटो शूट किया, जिसने देखना है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। उसके बाद भी हम अपने नानू की तरफ चले गए, यहाँ पे मैं अपने मामू की खूब गॉसिप को एंजॉय करते हुए। आप लोग भी थोड़ी सी सुन लें, आधी तैयारी मेरी रहती थी भैया। तैयारी हो नहीं, वैसे मैं हो जाता तीन रोज में मुसलमान नहीं समझती। अच्छा भैया, होता है ना, वो भी जल्दी गुजर जाएगी। ये होता है ईद हमारे नहीं मुसलमान रोज खान। पिछली दफा दो दफा 30-30 रोजे हो गया ना, इस दफा उन्होंने कहा कि नहीं बस 29 से करने। पिछली बार भी 29 थी। नहीं मामू, पिछली दफा 30 थे। नहीं 29, मैंने पिछला व्लॉग निकाल के देखा, इससे मुझे अंदाजा हो गया अपना। और इस लड़की का अलहदा ही फोटो शूट है। ये देखो कितने पाँव काले लग ये भैया के नेल्स हैं और ये मेरे नेल्स हैं। घर आ चुके हैं, ये मैंने उतार दिया, मेरे कान इतने शदीद दर्द कर रहे थे ना, ये मैंने उतार दिए, और चादर भी मैंने आके उतार दी है। ग्लासेस बहुत अच्छी हैं, पिक्चर्स अच्छी बन गई हैं काफ़ी हद तक, और ये वाली चीज़ें भी उतारते हैं। देन ड्रेस तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही नहीं शायद, ये देख सकते हैं ये मेरा ड्रेस, इसके साथ ना प्रिंटेड ट्राउज़र था, और ये इस तरह से ये शर्ट थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ये जो दुपट्टा है इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ठीक है जी, मैंने तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, फिर सिस्टर और जीजू आ गए, उसका क्लिप मैंने नहीं बनाया, और वो कहते चलो कोमल बाहर खाना खाने चलते हैं, तो मैंने कहा खाना खाने चलो चलते हैं, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट हो जाएगी, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा थकावट। आज वैसे मेरा दिन बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ईद को खूब इन्जॉय किया। सुबह में तो खैर मुझे ऐसा लग रहा था आज का दिन मेरा बहुत बोर होने वाला है, देन उसके बाद मामू वगैरह खाला वगैरह हमारे घर आई, फिर उसके बाद हम अपने दूसरे का मामू के घर गए, वहाँ पे हमने इतनी बातें की, बहुत मज़ा आया। और हम अल नेमत पे गए थे, इसका खाना बहुत मज़े का होता, मैंने सुना था, अब टेस्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर जी भाई मेन्यू चेक कर रहे हैं, खा के देखते हैं फिर बताएंगे टेस्ट लास्ट में कैसा। सारा कुछ खा लिया है, अब हम ले लेते हैं रिव्यू। कढ़ाई की भी तस्वीर दिखाओ, ये देखा मैंने, बिल्कुल चमका दी है, चमका दी है, दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा बना, कैसा था भाई? वेल डन, बेहतरीन, जबरदस्त, अच्छा था टेस्ट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा टेस्ट। अब लास्ट में बोतल पी जा रही ताकि हमारा खाना हजम हो जाए। क्राउड इस टाइम आप लोग देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ओह माय गॉड टेस्ट इज सो गुड, हमें पसंद आया है, पसंद खा दो। और ये मेरी बहन का ब्यूटीफुल ड्रेस देखने, बहुत ही खूबसूरत है, ये सफायर से लिया था, बिच फ्री से लिया था, बहुत रिजनेबल मिल गया था हमें, और बहुत ही खूबसूरत और एम्ब्रॉयडरी।
नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं खाना। चलो तुम क्यों अपने बंदे का खर्चा कराने में तुली हुई हो। यहाँ पर जी मैं बच्चों की थोड़ी सी आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, एंड में अपने ड्रेस का लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको क्लिप्स दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, बट फैमिली के साथ गैदरिंग में ज़्यादा क्लिप्स नहीं बन सके, बट जितने भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक।